हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बूंदी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स को फॉलो करना है और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप बेसन लिया है और बेसन को छलनी से बाउल के अंदर छान लेंगे। आप मेजरमेंट कप से भी ले सकते हो, कटोरी से भी ले सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। बेसन को अच्छी तरह छान लिया है और 1.5 कप पानी लिया है। पानी को पहले थोड़ा ऐड करेंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि उसके अंदर लम्स निकल जाए। और पानी धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है। आप देख सको बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है और अभी तक मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। बैटर अभी भी थोड़ा थिक है तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो बैटर की थिकनेस है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसी थिकनेस रखनी है। बैटर बनाने के लिए 1.5 कप पानी लिया था, उसमें 1 1/4 कप पानी का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हो ये ड्रॉप गिर रहे हैं, ये बिल्कुल ही परफेक्ट बैटर है, तो ये बचा हुआ पानी है। अब बैटर में पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बहुत ही कम मात्रा में डालना है और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल से जब बूंदी बनेगी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप सोडा नहीं ऐड करते हो तो आपको बैटर को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटना है ताकि उसके अंदर एयर बने, जब आपकी बूंदी बने तो अच्छी बने। अब बैटर में पिंच ऑफ फूड केसरिया कलर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप फूड कलर की जगह हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और ये डालना ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। कढ़ाई में घी लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब घी को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हो और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, जो आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। कढ़ाई में अब घी अच्छी तरह गर्म हो गया है और अब हम बूंदी बनाएंगे। और बूंदी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स फॉलो करना होता है। अगर आप ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आपकी बूंदी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगी। बूंदी जब हम डालते हैं तो गैस फ्लेम हाई रहना चाहिए, जो घी या ऑयल जो भी बहुत गर्म रहना चाहिए। अगर ठंडा रहेगा तो आपकी बूंदी बिल्कुल चपटी रहेगी। और जब सारी बूंदी ऑयल या घी के अंदर डाल दो तब आप गैस फ्लेम थोड़ा लो कर सकते हो और बूंदी ऊपर से ही डालनी है, क्योंकि ऊपर से डालोगे तब जब ऑयल या घी के अंदर गिरेगी तो जो ऑयल या घी के अंदर बूंदी है वो पक जाएगी और आपस में चिपकेगी नहीं। और कढ़ाई अगर आपका पतली है तो गैस फ्लेम हाई करके उसको लो करना है, और हो सके तो मोटी ही कढ़ाई यूज़ कीजिए, थिक कढ़ाई, उसमें बहुत ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और बूंदी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगी। अगर मोटी कढ़ाई नहीं है कोई बात नहीं, आप पतली कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर हाई होने के बाद फिर वापस को लो करना है, यानी गैस फ्लेम को आपको एडजस्ट करते रहना है। तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया गोल गोल बूंदी निकली है। तो इस प्रकार सारी बूंदी बनानी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए। सारी बूंदी बनकर तैयार है और अब बूंदी के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी सबसे लास्ट में ही बनानी है। आप इस बूंदी से रायता भी बना सकते हो, मसाला बूंदी भी बना सकते हो, जो चाहो आप इस बूंदी से बना सकते हो। और आप बिना हलवाई के झारे के भी बूंदी बना सकते हो। घर में जो कद्दूकस ग्रेटर होता है आप उससे बना सकते हो, घर में अगर छोटा झारा है तो आप उससे भी बूंदी बना सकते हो।
अब बूंदी के लिए चाशनी बनाएंगे तो कढ़ाई में 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे और 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। चीनी और पानी की इक्वल क्वांटिटी रखनी है और उसके बाद गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे और स्पैचुला से मिक्स करते हुए गर्म करेंगे। तब तक हिलाते रहना है जब तक चीनी अच्छी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है, अब इसमें पिंच ऑफ केसरिया फूड कलर ऐड करेंगे। आप कलर की जगह सेफ्रॉन भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद चाशनी को और गर्म होने देंगे। तो अब चाशनी बनकर तैयार है। अब आप देख सकते हो चाशनी के अंदर चिपचिपापन आ गया है, तो हमको यही कंसिस्टेंसी चाहिए, एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, यानी परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके एक बार बॉईल कर देंगे और उसके बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें सारी बूंदी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे और बूंदी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बूंदी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और स्पैचुला से थोड़ा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, सो नाइस। और अब इसमें दोबारा ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए रखेंगे। अगर बूंदी के अंदर कोई कसर है तो वो निकल जाएगी। दो टेबलस्पून मेलन सीड्स लिए है और उसको लो गैस फ्लेम पे सौते करेंगे। जब हल्की सी उसकी चटकने की आवाज़ आए तब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और बाहर निकाल देंगे। मिठाई के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और अब मेलन सीड्स को बाहर निकाल देंगे। तो हमारी ये बूंदी बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़े ड्राई नट्स ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। If you have any comments, please write down in comments box.